हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज की इस वीडियो के दौरान हम सॉइल साइंस सब्जेक्ट के कोर्स टाइटल फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में जो हमारा टॉपिक चल रहा था सॉइल फॉर्मेशन, उसके बारे में थोड़ी और बात करने वाले हैं। थोड़ी और बात करने वाले हैं से मेरा मतलब ये है कि आप जानते हैं कि रॉक्स जो होती हैं उनकी वीदरिंग से पेरेंट मटेरियल बनता है, और पेरेंट मटेरियल जो होता है उस पर अलग अलग तरह के प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से ये पेरेंट मटेरियल जो है वो सॉइल में बदल जाता है। पेरेंट मटेरियल को सॉइल कब कह देते हैं हम? ट्रू सॉइल तब कह देते हैं जब उसके अंदर अलग अलग तरह के होरिजन्स वगैरह जो है वो बन जाते हैं, है ना। तो ये अलग अलग तरह के होरिजन्स बन जाना या फिर हम देखते हैं ये ऐसा कैसे होता है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो यही है हमारे आज वीडियो का टॉपिक जो कि है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। तो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस जो होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं। कौन से दो तरह के? तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल या बेसिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, फंडामेंटल या बेसिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, और दूसरे हम देखते हैं स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल प्रोसेस हैं इनका मतलब ये हुआ कि ये जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस हैं वो किसी भी तरह की सॉइल हो उसके अंदर देखे जाएंगे। उसके अंदर देखे जाएंगे मतलब उसके फॉर्मेशन के लिए ये चार, ये हम देख रहे हैं बेसिक जो प्रोसेस है ये तो होंगे ही होंगे। समझ आ रही है आपको बात? तो ये फंडामेंटल या जिन्हें हम कहते हैं बेसिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, इसके अंदर हम पढ़ते हैं ह्यूमिफिकेशन, एलुविएशन, इलुविएशन और साथ में होरिजनाइजेशन को। ठीक है, आज हमारा ये जो वीडियो है इसके अंदर इसी के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं, फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के ऊपर। ओके, इस वीडियो का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम बात करेंगे स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में। स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस से मेरा मतलब ये है जिनकी वजह से हम देखते हैं कोई सॉइल में स्पेसिफिक फीचर आ जाता है, कोई खास बात आ जाती है उनके अंदर। स्पेसिफिक फीचर का मतलब ये हो गया, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं सेलाइनेशन का। सेलाइनेशन मोस्ट फेमस हम देखते हैं प्रोसेस है, आप जानते होंगे कि भाई सेलाइन सॉइल्स क्या होती हैं, है ना, नमक वाली सॉइल्स, है ना, आप जानते हैं इनके बारे में, आपने नाम ज़रूर सुना होगा इनका। तो वो उसके अंदर ये स्पेसिफिक फीचर कि उसमें सॉल्ट ज़्यादा होगा, तो ये फीचर किस वजह से आया? तो सेलाइनेशन की वजह से आया। तो कहने का मतलब ये हुआ स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस वो हैं जिनकी वजह से सॉइल में कोई खास हम देख रहे हैं कोई फीचर आ जाता है ना, स्पेसिफिक फीचर डेवलप होता है। तो इनके अंदर हम पढ़ते हैं पहले पोडजोलाइजेशन और उसके बाद पढ़ते हैं लेटराइजेशन। पोडजोलाइजेशन लेटराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पीडोडर्बेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिलेशन, सेलाइनेशन, डीसेलाइनेशन, एल्केलाइजेशन, सोलोडाइजेशन, कैल्सिफिकेशन, डी कैल्सिफिकेशन और जिप्सिफिकेशन, है ना। तो ये इतने सारे नाम मैंने एक साथ बोल दिए, हो सकता है आपको इनके बारे में नॉलेज ना हो तो आपको लगेगा ये क्या इतने सारे वर्ड्स बोल रहे हैं। तो आने वाले वीडियोस के अंदर हम इनके बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं, इन सभी प्रोसेस के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं, लेकिन आज के इस वीडियो के दौरान हम फोकस करेंगे इन फंडामेंटल या बेसिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस के बारे में। ओके, और साथ में आपको मैं बताना चाहूँगा कि फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के ही अदर टॉपिक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं जो कि है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन किसमें? बेसिक या हम कह रहे हैं फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहला प्रोसेस जो कि है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन मतलब आप समझ गए कि फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस का कैसे बनना है ना, तो देखते हैं अगर हम तो ट्रांसफॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदल जाना ना, एक तरह से चेंज हो जाना, और डीकम्पोजिशन मतलब टूट जाना है ना। किसका टूट जाना? ऑफ ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है रॉ फॉर्म के अंदर, जैसे कि हम देख रहे हैं प्लांट्स या एनिमल्स के जो रेजिड्यूज़ वगैरह होते हैं उनका जो हम देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना या उनका टूट जाना जो है उससे हम देखते हैं ह्यूमस बनता है। समझ आएगी बात? और ह्यूमस का बनना ही क्या है? ह्यूमिफिकेशन है ना। तो अब हम देख रहे हैं इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, तो देखते हैं इन्वॉल्व एक्टिविटीज़ ऑफ बैक्टीरिया, फंगाई, एक्टिनोमाइसिटीज, अर्थ फॉर्म, एंट्स एट्सेट्रा, है ना। हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के जो सॉइल के अंदर माइक्रो और मैक्रो फौना जो होते हैं, है ना, तो उनकी वजह से हम जो देख रहे हैं कि ये एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज़ वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। और हम देखते हैं ये जो डिकम्पोजिशन हमने वर्ड यूज़ किया ये दो फेज़ के अंदर देखा जाता है। डिकम्पोजिशन टूट जाना दो फेज़ में देखा जाता है, जिसमें हम देख रहे हैं पहला फेज़ जो है जिसे हम मिनरलाइजेशन कह सकते हैं। मिनरलाइजेशन मतलब मिनरल्स का बन जाना, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो डेड प्लांट्स टिश्यूज़ वगैरह जो हैं, डेड प्लांट मटेरियल जो है उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे सिंपल स्ट्रक्चर सॉल्यूबल फॉर्म में बदल देते हैं।
सिंपल स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूबल फॉर्म। सॉल्यूबल फॉर्म्स मतलब जो हम देख रहे हैं वाटर में भी सॉल्यूबल हो या प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब कर सके, तो ऐसे ही सॉल्यूबल फॉर्म में बदल देते हैं। अब ये हम देखते हैं साथ में यहाँ मेटल के कैटायंस भी अलग अलग बनते हैं। मेटल कैटायंस मतलब समझते हैं आपकी कैल्शियम है ना, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह के आयंस बनते हैं। और साथ में हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे रिलीज होती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ ना कुछ एक तरह से रेस्पिरेशन वाली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इस तरह से जो मिनरल्स फॉर्म में बन रहे हैं, मतलब कैटायंस वगैरह बन रहे हैं मेटल के, तो इसे हमने मिनरलाइजेशन कह दिया है ना। मतलब पहले ये टूट गया है इसके अंदर, अब ये टूटने के बाद हम देख रहे हैं रिकम्बाइन होते हैं। ये जो सिंपल सॉल्यूबल हम देख रहे हैं, सिंपल स्ट्रक्चर सॉल्यूबल फॉर्म है, ये वापस रिकम्बाइन होती है, कुछ नया बनाती है। क्या नया बनाती है? तो हम देख रहे हैं वो ह्यूमस बना देती है ना, जो अल्टीमेटली हमने प्रोडक्ट के रूप में कह दिया, ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, ह्यूमस के अंदर। तो हम देख रहे हैं सॉल्यूबल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रीग्रुप देमसेल्व, वापस रीग्रुपिंग होती है उनकी इनटू अ लार्ज मॉलिक्यूल, लंबे लंबे मतलब लार्ज मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं। किसकी वजह से? तो हम देख रहे हैं पॉलीमराइजेशन की वजह से। पॉलीमराइजेशन जानते हैं आप क्या होता है? पॉलीमर बन जाना, पॉली पॉली मतलब बहुत सारे, मर मतलब एक तरह से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बहुत सारे जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसे हम पॉलीमर बोल देते हैं ना। तो जैसे पॉलीएथीन होता है, इतना डिटेल्स में मत बताओ, हमें पता है ऑलरेडी, ऐसा हो सकता है आपके मन में आया हो। तो पॉलीमराइजेशन मतलब एक लंबे लंबे लार्ज मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं एंड बिकम लार्ज पुअरली सॉल्यूबल फॉर्म, और इससे ये पुअरली सॉल्यूबल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। पुअरली सॉल्यूबल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो इसे ही एक तरह से हम कह रहे हैं कि ये ह्यूमस का मेजर पार्ट बनाते हैं। मेजर पार्ट बनाते हैं का मतलब समझ गए ना, कि ये कह रहे हैं हम कि ह्यूमस का मेजर पार्ट जो है इन इन सॉल्यूबल फॉर्म से ही बनता है। अब ये जो मेजर फॉर्म है, इसके अलावा क्या होता है हम देखें अगर ह्यूमस के अंदर, तो उसके अंदर होते हैं पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स वगैरह भी होते हैं ह्यूमस के अंदर, जो कि हम देखते हैं सॉइल को एग्रीगेट करने का काम करते हैं, सॉइल को जोड़े रखने का काम करते हैं। ठीक है, सॉइल एग्रीगेशन जो है कौन करते हैं? अदर जो ह्यूमस का पार्ट है वो कर रहा है। मेन पार्ट जो है ये जो हमने बात करी पॉलीमराइजेशन से बना है, ये क्या करता है? तो ये हम देखते हैं इनको होल्ड करता है मेटल के कैटायंस वगैरह को, मेटल के कैटायंस वगैरह जो है उनकी रिटेंशन की साइट अगर आपसे कोई पूछे तो वो क्या है एक तरह से, ये सॉल्यूब हम देख रहे हैं कोलाइडल फॉर्म्स या जिसको हम कह रहे हैं ह्यूमस है, इस यही है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखनी है कि ओ होरिजन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ह्यूमिफिकेशन, सॉइल के ऊपर ऊपर का जो होरिजन है यानी ओ होरिजन जिसे हम कहते हैं वो किससे बना है? तो ये ह्यूमिफिकेशन से ही बनता है। ओ फॉर ऑर्गेनिक से याद रखते हैं हम ना, तो फिर ये ऑर्गेनिक होरिजन जो है इसी से बनता है। ये कहाँ सबसे ज़्यादा होता होगा? तो आप जानते होंगे कि भाई फॉरेस्ट में ओरिजिन सबसे अच्छा होगा, क्योंकि फॉरेस्ट में ये डेड मटेरियल प्लांट के अवेलेबल ज़्यादा होते हैं, ग्रासलैंड में थोड़ा कम होगा। और हम देख रहे हैं एरियल एरिएबल सॉइल्स जो हम जहाँ पे हम खेती कर रहे हैं वहाँ पे ऑर्गेनिक सॉइल हम देख रहे हैं ओरिजिन जो होगा वो सबसे कम होगा, है ना। तो ये ऑर्गेनिक ओरिजिन के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, वो किससे बना है? ह्यूमिफिकेशन से ही बना है। ओके, तो इस तरह से हमने सबसे पहला प्रोसेस के बारे में अच्छे से बात करी जो कि है ह्यूमिफिकेशन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं जो कि है एलुविएशन। एलुविएशन का मतलब क्या है? वैसे एलुविएशन और इलुविएशन के बारे में पिछले वीडियो में हमने अच्छे से बात करी थी, अच्छे से बात तो करी थी मतलब थोड़ा जल्दबाजी में करी थी, तो आज थोड़ा डिटेल्स में इनको पढ़ लेते हैं, है ना। तो क्या होते हैं एलुविएशन का मतलब होता है, एलुविएशन मीन्स वॉशिंग आउट। इस टर्म को आप याद रखें, वॉशिंग आउट मतलब बह जाना, वॉशिंग आउट मतलब निकल जाना किसी जगह से, निकल जाना किन का? तो हम देख रहे हैं सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। सॉइल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं अगर वो अपर होरिजन से लोअर होरिजन में जा रहे हैं, मतलब ऊपर वाले होरिजन से नीचे वाले होरिजन में जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम एलुविएशन कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं कि प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का है कि तो सॉइल के ही कॉन्स्टिट्यूएंट जो हम देख रहे हैं, इन द सस्पेंशन और सॉल्यूशन फॉर्म, सस्पेंशन या सॉल्यूशन मतलब में पानी में वगैरह में घुलकर हम देख रहे हैं फॉर्म बाय परकोलेटिंग वाटर। परकोलेटिंग वाटर का मतलब क्या, वो पानी जिसके नीचे जाता है आप भी जानते हैं, है ना, ऊपर अगर बारिश का पानी या हमने जो इरीगेशन से पानी दिया है वो पानी जो है वो कहीं ना कहीं सॉइल की कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है उनको घोलता है और वो नीचे वाले लेयर्स के अंदर उन्हें ले जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एलुविएशन कहते हैं, है ना। तो ये परकोलेटिंग वाटर फ्रॉम अपर टू द लोअर होरिजन या लोअर लेयर के अंदर इसको बोलते हैं, तो इसे हम कहते हैं एलुविएशन। आई बात समझ में? और अगर हम देखें लीचिंग की अगर हम बात करें, देखो एलुविएशन और लीचिंग में थोड़ा फर्क होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो लीचिंग मतलब है रेफर्स टू द मूवमेंट एंड रिमूवल ऑफ सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यहाँ सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट शायद लिखा नहीं गया है, तो हम देखते हैं रेफर्स टू द मूवमेंट एंड रिमूवल ऑफ सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट इन सॉल्यूशन फॉर्म, है ना, फ्रॉम द सॉइल
यहाँ मेरा कहने से मतलब ये है कि फ्रॉम एंटायर सोलम, मतलब पूरा ही सॉइल का जो सोलम है वहाँ से जो है वो निकल ही पड़े। कौन निकल पड़े? सॉइल के कंस्टिट्यूएंट या कैटायंस वगैरह जो होते हैं वो, अगर मान लो सॉइल से ही अलग ही हो जाते हैं। सॉइल से अलग हो जाने का मतलब ये हुआ कि वो हम देख रहे हैं कि वाटर, ग्राउंड वाटर के अंदर कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, तो उसे एक तरह से लीचिंग कहा जा सकता है। तो लीचिंग किस लिए टर्म यूज़ की जानी चाहिए? तो हम देखते हैं पूरे एंटायर सोलम से ही अलग कुछ हो जाता है, तो उसके लिए लीचिंग वर्ड यूज़ करना चाहिए, है ना, लीचिंग, क्योंकि रिमूवल है पूरा। और जबकि अगर हम बात करें एलुविएशन जो है वो क्या है, खाली ऊपर से नीचे वाली लेयर में आ जाना है। आइए बात समझ आपको। तो एलुविएशन और लीचिंग में थोड़ा फर्क होता है। अब ये दोनों ही क्या है, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग देखे जा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कैल्शियम और सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये बहुत ज़्यादा मोटाइल होते हैं, तो ये बहुत जल्दी निकल पड़ते हैं। तो ये थोड़े चंचल ज़्यादा होते हैं, मतलब पानी मिला भागो भागो, तो मतलब वो क्या हो जाते हैं, जल्दी से पानी में घुल के जल्दी से नीचे परकोलेट हो जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें फेरस, सिलिकन और एल्यूमिनियम, तो ये लेस मोबाइल होते हैं, मतलब ये जल्दी से क्या होते हैं, लोअर होरिजन्स पे नहीं जाते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि सॉइल मोबिलिटी, एलिमेंट की मोबिलिटी का सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। और हम देखें कि एलुविएशन से कौन सा ओरिजिन बनता है, तो हम देखते हैं लेयर फॉर्म्ड ड्यू टू द लॉस ऑफ सॉइल कंस्टिट्यूएंट इज नोन एज एलुवियल ओरिजिन। इसे हम एलुवियल ओरिजिन कहते हैं, और इसे ई या ए टू से रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉइल प्रोफाइल आपने अगर देखा है कभी, तो उसमें ए टू या ई, अगर हम ओरिजिन की बात करें तो वो ई ओरिजिन क्या होगा, तो हम देख रहे हैं एलुविएशन के वजह से बना ओरिजिन होगा। आगे बात समझ में। तो इस तरह से हमने एलुविएशन के बारे में बात करी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इलुविएशन के बारे में, ठीक है। तो एलु इलु का कॉन्सेप्ट आपके पास रिटर्न में भी आ जाएगा कि हाँ भाई अब समझ आ गया क्या चीज़ होती है। ओके, तो चलिए इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है इलुविएशन। एलुविएशन, अब इलुविएशन, वैसे कुछ लोग दोनों को ही इलुविएशन बोल देते हैं, है ना, तो प्रोनाउंसिएशन तो अपना अपना सबका अलग अलग होता है, लेकिन अगर इसको हम इलुविएशन बोलें तो इसका मतलब ये हुआ मीन्स वॉशिंग इन। एलुविएशन क्या था? वॉशिंग आउट, मतलब ऊपर से कुछ आउट हो गया, निकल गया। कहाँ निकल गया? तो नीचे वाले ओरिजिन में निकल गया। तो नीचे वाले ओरिजिन वाले कहेंगे कि हमारे लिए निकला थोड़ी, हमारे लिए तो आया है ना, तो हम वहाँ पे तो क्या हो गया, इन हो गया। तो उसके लिए हम कह सकते हैं इलुविएशन, मतलब ये हुआ कि सॉइल डिपोजिशन का अपर लेयर टू लोअर लेयर के अंदर आने से, हम देखें लोअर लेयर के अंदर जो इनका एक्यूमुलेशन हुआ है, इनका इकट्ठा होना हुआ है, इसको ही हम क्या कह रहे हैं, इलुविएशन कह रहे हैं, है ना। तो हम कह रहे हैं द डिपोजिशन ऑफ सॉइल मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम ई, रिमूव फ्रॉम ई मतलब ऊपर ई ओरिजिन जो बना था रिमूव होने की वजह से, उसकी वजह से जो मटेरियल, माल मटेरियल नीचे आया है इन द लोअर ओरिजिन, नीचे लोअर ओरिजिन में आया है ना, हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेबलाइजेशन, ऐसा ओरिजिन जिसमें स्टेबलाइजेशन की प्रॉपर्टी है, मतलब वो रोक के रख सकता है। ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे आए हो तो नीचे से और नीचे जाने दे दें आपको, है ना, तो वो उनको रोक के रख सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांसलोकेटेड क्ले में पार्टिकल्स, जो ऊपर के पार्टिकल्स नीचे आए हैं उनको कहीं ना कहीं ये होल्ड कर सकता है। तो इसलिए हम देख रहे हैं इस तरह का फॉर्मेशन होगा, इस तरह के होरिजन का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम बी होरिजन कहते हैं, ठीक है। याद रखेंगे आप कि एलुविएशन से ई होरिजन बन गया था, इससे क्या बन रहा है, बी होरिजन बन रहा है। तो इनके ऊपर सीधे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसको आप याद रखें, आई से एन याद रखना है, और साथ में एलुविएशन का बी होरिजन बनना भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा एलुविएशन क्या होता है। इसके अलावा एक चौथा प्रोसेस भी होता है, जिसको हम कह देते हैं होरिजनाइजेशन, जिसके ऊपर मैंने यहाँ कुछ बोर्ड पे लिखा नहीं है। होरिजनाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस होरिजन्स इन द सॉइल, अलग अलग सॉइल के होरिजन बन रहे हैं तो उसे ही होरिजनाइजेशन कह सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ कोई अलग से लिखा नहीं गया है। ओके, यहाँ हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू साइमनसन, एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं आप क्या, कि साइमनसन जो हैं उनके अकॉर्डिंग बेसिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस जो है कुछ इस तरह से हैं। क्या है, किस तरह से? तो हम देख रहे हैं गेन या एडिशन, सॉइल में कुछ गेन होना, जैसे हम कह रहे हैं वाटर या ऑर्गेनिक मैटर का गेन होना, लॉस, ट्रांसलोकेशन या मूवमेंट, लॉस हो जाना, ट्रांसलोकेट हो जाना, मूवमेंट हो जाना, तो जो कि वास्तव में हमने इस वीडियो के दौरान एलुविएशन और एलुविएशन के रूप में पढ़ लिया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एडिशन वगैरह, इस साइमनसन ने इनको इस तरह से नाम के रूप में भी समझाया, तो याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि बुक्स वगैरह में ये भी चीज़ दी हुई होती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो मेन इस तरह से हमने देखी इस वीडियो के दौरान बेसिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस क्या होते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो, और हमेशा की तरह मैंने आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया उसकी एक पीडीएफ फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। साथ ही मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में, स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में आगे बात करेंगे।
साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले की वीडियोस में हम सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, वीदरिंग और भी अलग अलग जो टॉपिक्स हैं फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के, उनके ऊपर बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से इस चैनल का तो सपोर्ट मिलेगा ही, इस चैनल के और भी जो वीडियोज़ हैं यूट्यूब आपको और रिकमेंड करता रहेगा, तो इस चैनल से आप और अच्छे से जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आप जानते हो कि सॉइल साइंस के जो ये वीडियोस हैं, ICAR की कोई प्रिपरेशन कर रहा हो उस स्टूडेंट, या अगर आपका कोई फ्रेंड हो तो उसके साथ आप इन्हें शेयर भी कर सकते हैं, तो इन वीडियोस को आप शेयर ज़रूर करें। और साथ में इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।